नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खबर जनपद गाजीपुर से है, जहां नंदगंज क्षेत्र के अंतर्गत मंदिर के बगल में शराब का ठेका खोले जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई है और बीते दो दिनों से प्रदर्शन कर रोष जाहिर किया है। विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने नारेबाजी की और दुकान से नाराज मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन कर विरोध जताया। प्रशासन और आबकारी विभाग को भी सूचित किया गया कि यहां पर शराब और बियर की दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने डीएम को पत्र देकर इस मामले में कार्रवाई की मांग की। इसके विरोध में मोहल्ले वासियों ने बताया कि जहां दोनों दुकानें खुल रही है, वहां एक आवासीय इलाका है और रोज़मर्रा की छोटी मोटी दुकानें हैं। साथ ही वहां शिव मंदिर है, पास में दो विद्यालय हैं जहां प्रतिदिन बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। शराब की दुकान खुलने से आसपास का माहौल ख़राब होगा, इसलिए यहाँ दुकान ना खोली जाए। जी, मेरा नाम अनीता दुबे है। क्या समस्या है? समस्या यही है कि हमारे बगल में दारू का ठीका खुल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम महिलाएं हैं, रात में भी बाहर निकल जाते हैं। दारू का ठीका खुलेगा तो ऐसे कैसे चलेगा? इनके साथ के घर के बगल? जी, हमारे घर के ठीक बगल में है। हम शरीफ आदमी है, हम शरीफ मोहल्ला है, शरीफ लोग, हम लोग रात में भी बाहर निकल जाते हैं। और ऐसे दारू का ठीका चलेगा तो यहाँ एकड़ भी एकड़ रहेंगे। अब शरीफ लोग हैं, यहाँ घनी आबादी है, कौन दारू का ठीका खोलने के लिए कह रहा है? दारू का ठीका नहीं खुलना चाहिए। दारू का ठीका खुले हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर यहाँ नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियाँ हैं, रात बिरात में बेटी बहू सब बाहर निकलती हैं। ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ, सरकार से गुजारिश है कि सरकार ऐसा न करे। अगर ऐसे करेंगे तो महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, रात में पियकर यहाँ पीकर सब उल्टेंगे। ऐसा सरकार से बार बार गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश है कि यहाँ खुलना नहीं चाहिए ठीका। अगर ऐसा होता है तो आगे हम धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे और इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा, सरकार होगा, हम लोग नहीं होंगे। कन्हैयालाल वर्मा, क्या समस्या है? समस्या यही है साहब कि हम लोगों का मोहल्ला जो है व्यापारी मोहल्ला है, सारे लोग परिवार के साथ रहते हैं। अगर सरकार यहाँ दारू की ठीका खुल जाएगा तो सारे लोग मतलब बेकार हो जाएंगे और दिक्कत बढ़ जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ दारू का ठीका ना खुले, मंदिर के सामने सरकार कहीं अनंत कहीं ले जाकर के खोले, हम लोग के मोहल्ले में ना खुले, यही हमारी समस्या है। क्या नाम भाई साहब आपका? हमारा नाम जितेंद्र दुबे है। दुबे जी, क्या समस्या है जो महिलाएं यहाँ काफ़ी आक्रोशित हैं? समस्या सारे यही है कि दारू शराब का और ठंडी बियर का दुकान यहाँ पे आ रहा है और हम लोग को बड़ी परेशानी। हम लोग व्यापारी आदमी हैं, यहाँ रहना सहना हम लोग को है, शिव मंदिर के सामने आ रहा है और हम लोग का परिवार जो है बहुत मतलब दिक्कत में है। परिवार हम लोग का सशंकित है, हमारा परिवार और व्यापार सब परेशानी में है। हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ दारू का ठेका आवे, कहीं अन्यत्र सरकार खुलवाए, हमसे कोई आपत्ति नहीं है। क्या नाम है आपका? सुषमा। सुषमा जी, क्या बात है कि आप लोगों ने यहाँ धरना दिया हुआ है? यहाँ हम लोग का मोहल्ला है, हम लोग हमारे भोले बाबा हैं, यहाँ हम लोग दारू का ठीका नहीं चाहते हैं। यहाँ हमारी बहन बेटियाँ हैं, सब सामने यहाँ सब परिवार हमारा है, मोहल्ला है हमारा। कहाँ दारू की दुकान? ये हमारे बगल में खुला है, ये बगल में, यहाँ हमारी सब बहन बेटियाँ रहती हैं। कहाँ जाएंगे? यहाँ सब दारू पीकर सब लोग घूम रहेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए? आप ही लोग बता दीजिए, अनेक प्रशासन बताए कि हम लोग कहाँ जाएं, बताइए हम लोग कैसे करेंगे।